तो इग्निशन ऑन किया, यहाँ से हॉर्न बजाया, जो कंपनी का हॉर्न आता है साथ में वो बज रहा है। अब यहाँ से जो हमने स्विच लगाया है इसको ऑन किया इधर से, और फिर इसको वापस से किया ऊपर, और फिर दोनों ऑप्शन इसमें है जहाँ आप चाहे डबल हॉर्न बजा सकते हैं और जहाँ आप चाहे सिंगल हॉर्न बजा सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूँ रहमान और आप देख रहे हैं टेक ब्रदर्स हिंदी। तो आज के इस वीडियो में हम अपने स्पिंडल प्लस में ये हाई साउंड हॉर्न जो है ये इंस्टॉल करने वाले हैं, और इसके साथ में जो रिले का कनेक्शन होता है वो रिले कनेक्शन भी करेंगे। प्लस इसमें हम एक एक्स्ट्रा फ्यूचर ऐड करने वाले हैं, जैसे आपने बताया था ये थ्री पीस जो स्विच है ये हम इसमें इंस्टॉल करेंगे, इस पर हम कनेक्शन करेंगे। अगर आप मतलब यहाँ पे इसको करेंगे तो आपकी गाड़ी का जो साथ में हॉर्न आता है वो बजेगा। अगर आप इसको यहाँ पे करेंगे तो जो हम एक्स्ट्रा हॉर्न लगा रहे हैं हाई साउंड के वो इस पर चलेंगे। तो ये भी हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं ताकि दोनों ऑप्शन हमारे पास रहें, हम सिंगल हॉर्न भी बजा सकें और डबल हॉर्न जो हम लगा रहे हैं इसमें वो भी बजा सकें। दोनों ऑप्शन इसमें हम ऐड करने वाले हैं। इसका कनेक्शन कैसे होगा और क्या प्रोसेस रहेगी, कितने का स्विच है, कितने का हॉर्न है, और इसके अलावा जो एक ही जो है सेल्फ कटआउट रिले ये इसमें ऐड करने वाले हैं, क्योंकि रिले के बिना इतने अगर भारी हॉर्न आप लगाएंगे विदाउट रिले तो आपकी गाड़ी का जो स्लिप का बटन है वो खराब हो जाएगा। रिले लगानी बहुत ज़रूरी है, और साउंड भी रिले लगाने के बाद में ही हॉर्न का बन पाता है। तो चलिए जल्दी से फिट कर लेते हैं पहले, और फिर आपको कनेक्शन के बारे में बताएंगे। कनेक्शन के लिए जो ये सॉकेट है मैंने हीरो की पुरानी वायरिंग से लिया था, ये मैंने इसमें कटआउट में इंस्टॉल कर दिया है। अगर ऐसा सॉकेट आपके पास है तो अच्छा है, अगर नहीं है तो आप ये जो हॉर्न पिन है डायरेक्टली इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास सॉकेट है तो मैं इसको यूज़ करता हूँ। तो इसके लिए आपको करना क्या है, आपका जो एक ये वायर है इसको आपको इसके साथ में ऐसे अटैच कर देना है, और ये जो वायर है ये डायरेक्ट बैटरी के प्लस में जा रहा है, मतलब यहाँ पे डायरेक्ट बैटरी के प्लस में दे रखा है हमने ये वायर यहाँ पे, ये बैटरी का जो डायरेक्ट वायर है इसमें एक अटैच कर देना है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो ये बड़े वाला दूसरा वायर है उसके लिए मैंने ये दो स्पेशल वायर बनाए हैं, जो कि इस पर दो हॉर्न की पिन लगी हुई है इधर, और इधर से मैंने इनको दोनों को साथ में जॉइंट किया हुआ है। तो ये जो दो वायर हैं ये आपको दूसरे वाले मोटे वायर के साथ में अटैच कर देने हैं इस तरीके से। अब जो ये वायर है इधर से इनको आपको एक एक हॉर्न के सॉकेट में लगा देना है, जैसे एक मैंने इस सॉकेट में लगा दिया, और दूसरा मैंने जो उधर वाला हॉर्न है दूसरा मैंने हॉर्न के इस सॉकेट में यहाँ पे लगा दिया है, ठीक है। अब अपना जो ये वायर है ये दो बचे हुए हैं, इसमें से किसी को भी इसमें माइनस प्लस का कोई मसला नहीं होता, आप कोई सा किसी में भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं ये एक ग्रीन वायर है ये मैं हॉर्न की जो पिन है, जो गाड़ी के साथ में हॉर्न आता है उसकी जो पिन है, उसके जो अर्थिंग का वायर है उसके साथ में अटैच कर रहा हूँ इस प्रकार से, इस तरह से मैंने अटैच कर दिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने एक छोटा वायर और बनाया हुआ है, ये भी मैं इसके साथ में इस तरह एक तरफ पिन है एक तरफ से खाली है, इसको मैं इसके साथ में ऐसे अटैच कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैच हो गया। और जो ये वायर है जो मैंने इसके साथ में अटैच किया है इसको आपको जो कंपनी से फिट हॉर्न है गाड़ी के साथ में आता है उसके किसी एक वायर में लगा देना है, जैसे कि मैंने लगा दिया, और यहाँ से उसके साथ में अटैच है ये। अब दूसरा हॉर्न का जो पॉजिटिव वायर बचा है उसका कनेक्शन हम इस स्विच के साथ में करने वाले हैं, ये हमने यहाँ पे स्विच इंस्टॉल किया है। इसके बाद में हमारा जो ये स्विच है जो हमने लगाया है एक्स्ट्रा, उसके तीन वायर है, ये जो रेड कलर का वायर है ये इनपुट के लिए है, प्लस ये जो पीला और ये ब्लैक वायर है ये आउटपुट के लिए है। जो इनपुट के लिए रेड वायर है उसमें एक वायर लगा लेना है, और हॉर्न की जो दूसरी पिन है उसके साथ में ऐसे अटैच कर देना है यहाँ पे, इस प्रकार से अटैच कर देना है। उसके बाद में हमारा जो ये कटआउट का दूसरा जो वायर बचा हुआ है उसमें हमको ये जो पीले कलर का एक वायर है इसके साथ अटैच कर देना है यहाँ पे, इस प्रकार से। इसमें जो ये लास्ट वायर बचा है जो अपने स्विच का है इसमें एक आपको वायर अटैच कर देना है इसके साथ में ऐसे, और इसमें एक मैंने हॉर्न की पिन आगे से लगाई हुई है, ये आपको जो गाड़ी के साथ वाला हॉर्न है उसकी दूसरे स्लॉट में लगा देना है। एक तो उसमें हम पहले से लगा चुके हैं
और दूसरे स्लॉट में आपको ये लगा देना है इस प्रकार से। ठीक है, आपका हो गया कनेक्शन। उसके बाद में मैंने एक जो वायर और बनाई थी, ये जो आपको मैंने फर्स्ट में दिखाई थी, ये वाली, तो इसमें जो बड़े हॉर्न हैं इनमें एक एक स्लॉट जो बचा हुआ है इसमें आपको यहाँ पे लगा देना है एक, और ये जो दूसरा स्लॉट है ये आपको दूसरे वाले हॉर्न के स्लॉट में लगा देना है उस तरफ। ठीक है, और फिर आपको यहाँ से बीच से इसका जो बीच का जॉइंट है जो मैंने खुला हुआ छोड़ा है तो वो आपको इस नट के अंदर दबा देना है ताकि यहाँ से इसको अर्थ डायरेक्ट मिल सके। तो मैं इसको फटाफट से दबा देता हूँ, यहाँ पे इसको इस बोल्ट के नीचे आपको दबा देना है और बोल्ट को वापस से टाइट कर देना है। इससे क्या है कि इसमें अर्थिंग जो है वो डायरेक्ट गाड़ी की बॉडी से मिलेगा और आपको इस तरीके से टाइट कर देना है। और अपनी गाड़ी के जो हॉर्न है उनका कनेक्शन कंप्लीट हो गया है, अब इनको टेस्ट करने की बारी है। तो कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद में अभी हम इसको चेक करते हैं कि प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो इग्निशन ऑन किया, यहाँ से हॉर्न बजाया, जो कंपनी का हॉर्न आता है साथ में वो बज रहा है। अब यहाँ से जो हमने स्विच लगाया है इसको ऑन किया इधर से, और फिर इसको वापस से किया ऊपर, और फिर दोनों ऑप्शन इसमें है जहाँ आप चाहे डबल हॉर्न बजा सकते हैं और जहाँ आप चाहे सिंगल हॉर्न बजा सकते हैं। दोनों कनेक्शन मैंने इसमें कर दिए हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।